श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे रेड सैंड बोआ स्नेक के बारे में, जिसके बारे में एक अंधविश्वास है कि वो सेक्स पावर बढ़ाने के नाम पर करोड़ों में बिकता है। हम आपको उसे जुड़ी हुई रोचक जानकारी बताने जा रहे हैं, उस सांप के बारे में जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपये तक हो सकती है। उसका रंग सुनहरा होता है और बहुत सुस्त रफ्तार से सांप चलती है और इसका नाम है रेड सैंड बोआ। इस सांप की ब्लैक मार्केट में कीमत BMW X6 और मर्सिडीज बेंज एस क्लास जैसी लग्जरी कारों से भी अधिक है। यही कारण है कि भारतीय तस्करों में इस सांप की भारी डिमांड है। अब इसके बारे में जो कुछ बातें प्रचलित हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। खाड़ी के देशों में मान्यता है कि इसे खाने से कठिन बीमारी दूर हो जाती है और आदमी हमेशा जवान बना रहता है। रेड सैंड बोआ का चीन के पारंपरिक मेडिसिन में सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा बनाने में होता है और इसके साथ ही लोग इसके मांस को भी ताकत बढ़ाने के लिए खाते हैं। चीन से लेकर गल्फ के देशों तक रेड सैंड बोआ का मांस खाने से होने वाले फायदों से संबंधित कई मिथ हैं। ये मिथ है, अभी तक कुछ भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि विशेष तांत्रिक क्रिया के बाद इसे खाने से आदमी अलौकिक शक्तियों को मालिक बन जाता है। अंधविश्वास के चलते ये सांप मारे जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार रेड सैंड बोआ का मांस खाने या इससे बनी दवा से होने वाले फायदों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और सबसे दुखद बात यह है कि अंधविश्वास के चलते बेचारे सांप मारे जा रहे हैं। आज सांप की प्रजाति ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी है। कुछ लोग ग्रामीण को सांप से बचाने की आड़ में इसे पकड़ते हैं और तस्करी करते हैं। शिकार के चलते सांप विलुप्त होने के कगार पर है और इसके संरक्षण के लिए खास प्रयास नहीं हो रहे हैं। लोग पैसे की लालच में इसे पकड़कर व्यापारियों को दे देते हैं। रेड सैंड बोआ वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 का जीव है। इसके रखने, पकड़ने, मारने और व्यापार पर पूर्णतया प्रतिबंध है। इस सांप को बलुआही जमीन में रहना पसंद है और ये सांप ज्यादातर खेतों में रहते हैं और चूहों का शिकार करते हैं। 2 से 3 किलो तक के सांप की कीमत करीब 3 से 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। कीमत ग्राहक की उपलब्धता के अनुसार कम ज्यादा होती है। रेड सैंड बोआ विषहीन और शर्मीला होता है। रात में एक्टिव होने वाला यह सांप सुस्त रहता है, जिसके चलते लोग इसे आसानी से पकड़ लेते हैं या शिकार कर लेते हैं। तस्कर सपेरों से मामूली कीमत में सांप खरीदते हैं और इसे नेपाल के रास्ते देश के बाहर पहुंचा देते हैं। चीन, दक्षिण पूर्व एशियाई देश और खाड़ी देशों तक इसकी तस्करी की जाती है। ब्लैक मार्केट में रेड सैंड बोआ की कीमत उसकी साइज और वजन के अनुसार तय होती है। तस्कर वजन बढ़ाने के लिए सांप को स्टील की गोलियां तक खिला देते हैं। आप सोचिए, भारत में सांप को धन के देवता कुबेर से जोड़कर देखा जाता है, जिसके चलते इसके दर्शन को शुभ समझा जाता है। इसके साथ ही रेड सैंड बोआ का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया में भी किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि इसका मांस खाने से एड्स जैसी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। ये भी मान्यता है कि इसके चमड़े में इरेडियम नामक तत्व पाया जाता है जो कि बहुमूल्य होता है। ये एक अलग फंडा है, इरेडियम वाले फंडे में आप जाओगे तो लगभग बहुत सारे लोग इसके पीछे पागल हैं और सोचते हैं बड़े आसानी से पैसा मिल जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।